हेलो जी नमस्ते छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूं विजय चौहान और आपके लिए नई जॉब वैकेंसी लेकर के आ गए हैं कार्यालय है, कलेक्टर आदिवासी विकास अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक नई वैकेंसी निकाली गई है वैकेंसी के लिए आप 25 तारीख ग्यारह महीने दो तक संध्या के पांच बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं नोटिफिकेशन चौदह तारीख ग्यारह महीने दो को जारी किया गया है तो आज के वीडियो में जानेंगे कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निकाली गई भर्ती प्रक्रिया के बारे में बता दें वन अधिकारी प्रकोष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए उम्मीदवार 25 तारीख ग्यारहवीं महीने 2022 तक संध्या के पांच बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता अर्थात फील्ड वर्कर की भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एक पद यहाँ पर निकाले गए हैं तीन अलग अलग तरह की यहाँ पर भर्ती की जाएगी सबसे पहले यहाँ पर विज्ञप्ति में जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता अर्थात फील्ड वर्कर के बारे में जानकारी दी गई है जिसमें केवल एक पद यहाँ पर निकाले गए हैं जो भी भर्ती होगी संविदा भर्ती होगी बात करें क्षेत्रीय कार्यकर्ता के वेतन के बारे में तो यहाँ पर पंद्रह हज़ार रुपये का प्रति माह जो है वेतन दिया जाएगा जो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता होंगे अनुविभाग स्तर पर जो है काम करेंगे जिसके लिए पच्चीस तारीख ग्यारह महीने 2022 तक जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया है साक्षात्कार के बारे में तो 30 तारीख ग्यारहवें महीने में जो है यहाँ पर साक्षात्कार आयोजन किया जाएगा और अगर 30 तारीख ग्यारहवें महीने 2022 को साक्षात्कार नहीं लिया जाता तब इसके लिए 10 तारीख़ बारहवें महीने 2022 को जो है साक्षात्कार लिया जाएगा और 10 तारीख बारहवें महीने 2022 तक आपकी जो भी परिणाम सूची है वो जारी कर दी जाएगी अब जानते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली गई है आ, कलेक्टर आदिवासी जाति आदिवास आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जो कि यहां पर निकाली गई है जिला परियोजना समन्वयक की और क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता की दो अलग अलग यहां पर वैकेंसी निकाली गई है और जिला परियोजना समन्वयक की एक पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है बात करें जिला समन्वयक के पदों के बारे में तो यहाँ पर अठारह हज़ार रुपये का प्रतिमा इनको वेतन दिया जाएगा केवल एक पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी जो भी भर्ती होगी जिला स्तर की यहाँ पर भर्ती की जाएगी दूसरी यहाँ पर पोस्ट है क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो कि फील्ड वर्कर की जिनको पंद्रह हजार रुपये का प्रतिमा वेतन दिया जाएगा एक पदों पर भर्ती की जाएगी जो भी भर्तियाँ हो रही है सभी संविदा भर्ती हैं नौ महीने के लिए यहाँ पर संविदा भर्ती की जा रही है क्षेत्रीय कार्यकर्ता के जो भी भर्ती होगी अनु विभाग के स्तर पर होगी और जिला परियोजना की जो भी भर्ती होगी जिला स्तर पर यहाँ पर की जा रही है जो भी उम्मीदवार हैं इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 25 तारीख ग्यारह महीने 2022 तक संध्या के पाँच बजे तक जो है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं बात करें यहाँ पर पात्रता और शर्तें के बारे में तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में अर्थात सेकेंड डिविजन में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की भी डिग्री होनी चाहिए तब आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं बात करें उम्र सीमा के बारे में तो एक जनवरी दो की स्थिति में जो है आपकी जो उम्र है चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको जो है उम्र सीमा में छूट देखने को भी यहाँ पर मिलेगा बात करें कार्य और कर्तव्य के बारे में तो जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं अगर आप जिला परियोजना समन्वय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें क्या काम करना होता है क्या कार्य दायित्व होते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है ठीक उसी तरीके से क्षेत्रीय कार्यकर्ता अर्थात फील्ड वर्कर के कार्य और कार्य दायित्व के बारे में जानकारी दी गई है जिसे आप इस पी के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं पी फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब जानते हैं आवेदन के प्रारूप के बारे में कि कौन से आवेदन को पत्र को जो है भर करके आपको आवेदन करना है यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में जानकारी दी गई है आवेदित पद का नाम यहाँ पर लिखना है अपना जो है नाम लिखना है अपने पिता का नाम अपनी जन्म तिथि आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर सभी श्रेणी के जो है व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं अपना मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना है और अपनी ई मेल मोबाइल नंबर जो है वो लिखना है और अपनी शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर लिखना है तो बता दें आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए सेकेंड डिविजन में तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर जो भी डिटेल है जैसे अगर आपके पास किसी तरह का कार्य अनुभव है तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे और इसे घोषणा पर साइन करेंगे घोषणा घोषणापूर्व भरेंगे और इसे आप बंद लिफाफे में पच्चीस तारीख ग्यारहवें महीने दो संध्या के पाँच बजे तक जो है आपको इसे जमा करना है जमा कहाँ करना है आपको यहाँ पर बताया गया है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास अंबिकापुर जिला सरगुजा के अंतर्गत जो है आपको इसे जमा करना है और बता दें साक्षात्कार के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा साक्षात्कार जो है तीस तारीख ग्यारहवें महीने दो को हो सकती है अगर तीस तारीख ग्यारहवें महीने दो को साक्षात्कार नहीं होती तब साक्षात्कार जो है दस तारीख बारहवें महीने दो को होगी और जिस दिन साक्षात्कार लिया जाएगा उसी दिन जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी दिन आपकी जो भी चयन सूची है जारी कर जाएगी चयन सूची के लिए जो अगली डेट यहाँ पर बताई है पंद्रह तारीख बारह महीने दो हजार बाईस तक आपको आपकी चयन सूची प्रकाशित कर दी जाएगी तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न या फिर सुझाव हैं तो कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अन्य लोगों के पास शेयर करना ना भूलिए और ऐसी ही रोजगारपरक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करिए हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रोजगार पर जानकारी के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद